झारखंड में चुनावी वर्ष चल रहा है। चुनावी वर्ष के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल झारखंड पहुंचने वाले हैं। कल जमशेदपुर में उनका कार्यक्रम होगा, इसके साथ साथ रोड शो करने वाले हैं। इस वक्त हम रांची के चौक चौराहों पर हैं, ये जानने के लिए कि प्रधानमंत्री का आगमन और उसके साथ साथ झारखंड में चुनावी वर्ष, यहाँ की जनता इसे किस तरीके से देखती है। शुरुआत हम इस चाय की प्याली को गर्म करने वाले भैया से ही करेंगे। भैया ये बताइए, मोदी जी कल आ रहे हैं, पता है? ये तो कोई फर्क नहीं बुझाएगा, हेमंत सोरेन के कॉमन पार्व की बार है। आप हेमंत सोरेन का मतलब खास आदमी है? हाँ, वहाँ गठबंधन के खास आदमी नहीं है कि जनता है कि उनको मैया योजना और ये अच्छा अच्छा काम किया गांव के लिए। हाँ। इसलिए हम चतरा के रहने वाले हैं। अच्छा, मेरा चतरों में देख रहे हैं कि बहुत हेमंत के काम दिखा दे रहा है, तो बहुत ज़्यादा असर नहीं होगा। बिल्कुल असर रहेगा। क्या असर रहेगा? अभी तो असर दिख भी रहा है, अब आगे आने वाले समय में दिखेगा भी। आपके सामने तो भैया कोई असर नहीं पड़ेगा, चुनाव के समय ही पता चलेगा किसका असर दिखेगा किसका नहीं असर दिखेगा। कल मोदी जी आ रहे हैं, आज चुनाव भी है, इस बार चुनाव में क्या स्थिति है? मोदी जी का असर है इसमें? मोदी जी का पता नहीं चल रहा है, नहीं पता चलेगा। मोदी जी का असर है? अब बिल्कुल है। लेकिन हेमंत सोरेन तो बहुत बहुत सारा योजना का लाभ, योजना वोट का चक्कर में दो तीन महीने में करके क्या होगा? क्या भैया बोल रहे हैं, वोट के चक्कर में खाली? भैया यूट्यूब पर बैठे बोल रहे थे क्योंकि वो 400 पर कहाँ गए, 400 पर 240 नहीं बैठ गए। वो इतना बड़ा देश संभाल रहा मोदी, सोचिए छोटा से झारखंड लेके बड़ा बड़ा बात करता है। कल 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 जो आएंगे मोदी जी, रेल वेल भी कल सुन रहे उद्घाटन होगा। हाँ, करेगा, बहुत काम करेगा। जो काम मोदी कर दे कोई नहीं कर पाएगा। भैया बोल रहे हैं जो काम मोदी जी कर दिया कोई नहीं कर पाएगा। भैया की तो देखिए रहा, जानते कि क्या कर दिए, कभी कहते कि इतना लाख खाता में डाले, आइए गया अभी तक खत्म आइए रहा है हम लोग का। 15 लाख के पास हुआ था कि खत्म में आवेगा, आज तक खत्म 10 साल तो हो गया, आइए रहा है। हेमंत सोरेन वाले में कुछ आया कि? हाँ, ये तो मैया योजना वाला आ रहा है। आ रहा है? हाँ, बिजली वाला हम लोग गांव में लाभ उठा रहे हैं, ये तो देख रहे हैं आँख से। अब यह कल मोदी जी आएंगे, कुछ असर होगा? एकदम होगा। क्या असर करेंगे मोदी जी? चुनाव भी है इस बार। चुनाव है तो असर तो करेंगे, मोदी जी बीजेपी का फेस है। हाँ। असर तो करेंगे, उन्हीं के बलबूते पे उनका बहुत सारा ये भी रहता है, आपका बहुत सारा बेनिफिट दिए हैं सभी के लिए। लेकिन झारखंड अभी चाहेंगे हम लोग की एक यूथ के लिए थोड़ा नौकरी वगैरह का प्रबंध। लेकिन झारखंड में तो हेमंत सोरेन कह रहे हैं कि अच्छा काम कर रहे हैं। क्या कुछ कहा कर रहे हैं सरकार, अभी एकदम लास्ट चुनाव आ रहा है तो जाके योजना निकाल दिए हैं, महिला लोग के लिए योजना निकाल रहे हैं, ऐसे थोड़ी होता है। आप चुनाव के टाइम पर निकालने थोड़ी होता है, 4 साल कहाँ थे पता नहीं। आप तो रील देख रहे हैं भैया, मोदी जी कल आ रहे हैं, पता है आपको? मालूम है। कुछ असर करेगा चुनाव में उनका रैली? बिल्कुल करेगा। क्या असर करेगा? साइड से बातें अभी कहते हैं, अभी राज्यसभा का होने वाला है ना। हाँ। तो उसमें तो करेगा ही करेगा। अभी चुनाव यहाँ हेमंत सोरेन बढ़िया है मोदी जी? अगर केंद्र में बात करें तो मोदी जी, बट अगर राज्य में बात किया जाए तो साइड से बातें बीजेपी आना ही चाहिए। बीजेपी आना चाहिए, चाहिए। मुख्यमंत्री किसको बनाना चाहते हैं? देखिए मुख्यमंत्री तो ये मेरे ऊपर डिपेंड। आपको क्या लगता है कौन मुख्यमंत्री अच्छा हो सकता है? रघुवर दास, बाबूलाल, अर्जुन मुंडा, चंपई सोरेन, कौन? देखिए इसमें तो हम कुछ नहीं बता सकते, वो तो पार्टी डिसाइड करेगा, ये मेरा बस। अब यार क्या रघुवर दास और राजपाल बन चल गया तब उनका तो। लेकिन लोगों का पसंद अभी भी रघुवर दास के लिए है, आप लोग मानते हैं कि रघुवर दास ठीक ठाक? रघुवर दास तो बढ़िया है, रघुवर दास तो बढ़िया नेता है, बड़े नेता है। काम किए थे बिल्कुल। क्या चाचा काम किए थे? रघुवर दास साफ है, सेंट्रल का तो काम उसी को करना ही पड़ेगा, वो तो करता है लेकिन गड़बड़ा गया था इसकी इलेक्शन का। अपना घर का आदमी खुद छोड़कर जा रहा है, देखिए सीता सोरेन जी खुद परिवार छोड़ के बीजेपी में आ गए हैं, तो सोच सकते उस पार्टी का अस्तित्व क्या रह गया है। जब परिवार खुद नाराज है तो क्या अस्तित्व रह गया पार्टी का, खुद देख सकते हैं आप लोग। आपका कहने की पार्टी टूट रहा है, सोरेन चल गए परिवार के। आपको देखने सामने दिख रहा है ना, सीता सोरेन उनके घर के बहुत ही छोड़ के चले गए, आपका चंपई सोरेन को उनका अस्तित्व खत्म कर दिया, चंपई सोरेन चले गए। आप कुछ बताइएगा भैया, कल मोदी जी आ रहे हैं जमशेदपुर में, चुनावी साल भी है झारखंड में, मोदी जी कुछ असर करेंगे? पब्लिक का मेंटेलिटी जानना मुश्किल है। आपका मेंटेलिटी क्या? हम तो सपोर्ट भाजपा को ही करेंगे। आप मोदी जी के साथ क्यों? रीजन है, विकास तो दिखा है, अब जिनको नहीं दिखा नहीं मालूम। हाँ। मगर हमको तो विकास दिखा है बहुत जगह। क्या क्या? सड़क में आपको देखिए। हाँ। बिजली में देखिए। हाँ। बहुत चीज़ का सुविधा तो कह रहे हैं कि हेमंत सोरेन मैया योजना दे दिए, 1000 रुपया पॉकेट में आ रहा है।
जो मेहनती है उनको मेहनती वाला योजना पसंद आएगा, पसंद अपना तो मेहनत कर रहा है बेचारा इसके बारे में नहीं तो बोल रहा है कि अरे लोग तो कहना काम है। अच्छा चतरा में भोक्ता जी कैसा काम किया? भोक्ता जी के नंबर एक नंबर काम बोलता है। अब तो बहू इस बार लड़ेगी चुनाव ना वहाँ? हाँ बहू लड़ेगी। बिल्कुल, ये झारखंड की जनता है जिनका कहना है कि किस तरीके से असर हुआ। कहना है कि बहुत ज़्यादा असर नहीं रहेगा मोदी जी का, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि मोदी जी कुछ असरदार जरूर रहेंगे। चाचा बाजार घूम रहे हैं, बारिश हो रहा है, छतवा दे दीजिए। ये बताइए कल मोदी जी आ रहे हैं जमशेदपुर में, देखे हैं मोदी को? हम नहीं देखे भाई, हम मोदी जी देखे भी नहीं देखे। हेमंत सोरेन को देखे हैं? ना ना, किसी को नहीं देखा। मोदी जी बढ़िया की हेमंत सोरेन? मोदी जी की हेमंत सोरेन जो काम करेगा वही बढ़िया है, जो काम करेगा वही बढ़िया। चाचा को क्या क्या काम चाहिए? अरे हमारा कुछ ना, हमारा कुछ हर कोई कैमरे पर कुछ भी कहना नहीं चाहता है, सबका अपना अपना लहजा होता है, अपनी अपनी सोच है। लेकिन लोगों का कहना है कि कल अगर मोदी जी यहाँ पर आ रहे हैं तो कुछ हद तक बदलाव जो है वो देखने को मिलेगा। जो दुकानदार हैं भैया, आपको क्या लगता है मोदी जी हेमंत सोरेन? सर देखिए, हम मोदी जी ले ले, हाँ बोलिए बोलिए। मोदी जी आ रहे हैं, सही बात है। मोदी जी जब शुरुआत में जीते थे जोर शोर से काम कर रहे थे, अभी बिल्कुल सुस्त पड़ गए हैं। अभी जो प्रधानमंत्री लोकसभा चुनाव हुआ उसमें मोदी जी ने जो चुनावी वादे किए हैं अभी तक पूरे नहीं किए हैं। मोदी जी ने कहा था CAA को जमीनी स्तर पर लागू करेंगे, जो कि अभी लागू नहीं हुआ है। योगी आदित्यनाथ जी ने, मोदी जी ने कहा था कि जब पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को भारत में शामिल करेंगे 6 महीने के अंदर। ये अभी देखना है कि उसे कब तक शामिल करते हैं। अभी जो अपने वादा जो किए हैं वो कब तक पूरा करेंगे? पूरा होता है तो मोदी जी अच्छा है। हाँ, अगर अपने चुनावी वादा अगर अपना पूरा कर देते हैं तभी तो जनता उन पे भरोसा करेगी। बिल्कुल, आप भैया बोल रहे थे कि हेमंत सोरेन बोलेगा, हेमंत सोरेन आपको क्या लगता है? हेमंत सोरेन या मोदी जी? हेमंत चा क्या क्या किए? बहुत किए हम लोग, घर सब दिए वही। अभी कौन सा घर मिला? अबुआ आवास? हाँ अबुआ आवास। और क्या क्या किए मोदी? एक पूछी ना जी तू लोग हेमंत सोरेन और क्या क्या किए? बिल्कुल, झारखंड के ये वो लोग हैं जिनका कहना है कि झारखंड में इस बार जब चुनावी वर्ष है तो उस दौरान कई तरह की तस्वीरें निकल कर आएगी, और अलग अलग तस्वीरें भी झारखंड से इस वजह से निकल कर आएगी क्योंकि झारखंड में इस बार चुनाव है और चुनाव के दौरान बड़े बड़े नेताओं का दौरा यहाँ जारी रहेगा। झारखंड में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा इस लिहाजे से भी खास माना जाने लग गया है क्योंकि ये चुनावी वर्ष है, झारखंड में इस बार चुनाव होना है। कुछ लोग हमारे साथ हैं, हमने सोचा कि उनसे बात किया जाए, उससे पहले मटन चावल पर बात कर लिया जाए कि नौजवान है। भैया ये बताइए, कल मोदी जी आ रहे हैं जी भैया, क्या लगता है चुनावी माहौल में कुछ असरदार रहेगा? बिल्कुल असर क्यों नहीं रहेगा बताइए आप, इतने बड़े हस्ती है वो हमारे देश को चला रहे हैं तो उनका आने का असर तो बिल्कुल बना रहेगा। मोदी जी अच्छा है या हेमंत सोरेन? ये इसमें कोई बात ही नहीं है भैया, मोदी जी बढ़िया है। क्या बढ़िया लगा हुआ है आपने तो बीजेपी भी लगा रखा है। अभी वहीं से निकल के आ रहे हैं। अच्छा मोदी जी खास होंगे? जी बिल्कुल खास। क्या खास लगेगा मोदी जी? ये अट्ठे वाला मटन कैसा है पहले ये बताइए? अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, देवघर वाला है ये स्पेशल। हाँ मोदी जी कितना असरदार? बहुत असरदार, सब पे असरदार। क्यों, क्या काम कर दिए उन्होंने? बहुत किया विकास विकास को लेके, हर चीज का लेके। आपको कुछ मिला मोदी जी का योजना का? नहीं, मिलना जरूरी नहीं है, बहुत सारा चीज़ है जो देख के ही बहुत अच्छा लगता है, हर चीज़ मिलने का थोड़ी होता है। अच्छा लग रहा है। हाँ, देश का इज्जत बढ़ाने के लिए कितना काम किया? आप जाते हैं कहीं बाहर तो आपको अंदाजा लगता है इस चीज़ का, कितना वहाँ पे हम लोग का नाम हो गया अभी। लेकिन यहाँ के लोग कह रहे हैं कि भुखमरी है, खाने को नहीं मिल रहा, नौकरी नहीं हो रही है। 1000 रुपया देने से किसी का भुखमरी तो मर नहीं जाएगा? 1000 रुपया देने से किसी का भुखमरी मरता है? हेमंत सोरेन 1000 रुपया दे रहे हैं तो आपका उससे काम चल जाएगा? 1000 रुपये से 4 आदमी का घर चलेगा राशन, उसमें 1000 रुपये से? तो कह रहे हैं अगले बार से 1 लाख रुपये परिवार को पहुंचाएंगे? जब पहुंचाएंगे तब का दब देखा जाएगा। 1000 रुपये झारखंड के लोगों का कहना है कि 1000 रुपये में बहुत कुछ नहीं बदल रहा है। आप बड़ा टिक्का उक्का लगा के आए हैं, कहाँ घर हुआ आपका? पलामू, ऐसे हरमू में रहते हैं। हरमू में? पलामू वाले लोग मोदी जी कल आ रहे हैं? हाँ। मोदी जी कैसा काम किए बताओ? बहुत बढ़िया काम किए। सिकड़िया सोनवा का है या फिर ऐसे? सोने का है। सोने का है, रईस आदमी है आप। मोदी जी अच्छा है हेमंत सोरेन ही बताइए? मोदी जी का है? मोदी जी बहुत चीज़ किए हैं तो अब जो दिखता है आप लोग भी खुद जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं, सब कोई जान रहा है। क्या कर दिए मोदी जी आपके? इतना विकास किए, रोड बनवाए, सब किए, सब चीज़ें, अब कितना चीज़ गिनाए, गिनाने के लिए तो कुछ होना चाहिए। तो मोदी जी एक नंबर है क्या भैया? मोदी जी एक नंबर की हेमंत सोरेन? हमारा तो हेमंत भैया है भैया, हम लोग का तो माफ हो गया है। कैसे हेमंत भैया?
हम लोग का बिजली बिल जो था जितना भी था जब नहीं दिए हम लोग तो माफ़ कर दिए, वो हम लोग गरीब आदमी के ऊपर पूरा वो रखे हुए हैं कि नहीं गरीबों के लिए वो बढ़िया है, तो मसीहा बन चुके हैं वो। कल मोदी जी आ रहे हैं बोल रहे हैं इतना घर में पैसा दे देंगे, इतना ग्रामीण का घर बना देंगे कि कहाँ दिए हम लोग तो बराबर कमा के खा रहे हैं, बस हमारा तो बिजली माफ़ किए हैं हेमंत भैया, बस इतना ही जानते हैं हम। हेमंत सोरेन, हेमंत भैया, हाँ मोदी जी कुछ नहीं, हेमंत भैया मतलब मिले हैं कभी हेमंत? हम लोग भैया ही बोलते हैं बराबर, उधर कभी मुलाकात हुआ है मंजी? हाँ कितना बार जमुआ में आते हैं, हम लोग का घर हुआ गिरिडीह जिला, हाँ। जमुआ प्रखंड, हाँ। लताकी गांव हुआ मेरा। विधानसभा कौन सा? जमुआ गिरिडीह, हाँ गिरिडीह जिला हुआ, जमुआ प्रखंड हम लोग का पड़ जाता है। जमुआ हुआ आपका घर भी गिरिडीह? अरे आपको कौन अच्छा, हेमंत सोरेन या? नहीं ठीक है, झारखंड के लिए हेमंत भैया बढ़िया है, हेमंत सोरेन जी अच्छे हैं, लेकिन मोदी जी देश में चाहिए। हाँ देश में मोदी जी ही चाहिए, हाँ देश में मोदी जी ही चाहिए। एक ही दुकान में दो आदमी दो तरह की बात बोल रहा है। नहीं भैया हाँ इधर आइए भैया, क्या क्या बनाए थे आज, क्या क्या बना है इधर खाना में, क्या क्या है, क्या क्या बना आज? यही है सब्जी है दाल है दो सब्जी। कितना रुपये मिलता है, कितना रुपये देता है इधर? 15,000 मिलता है। मोदी जी आ रहे हैं, मोदी जी को देखे हैं आप? अरे सामने से तो नहीं देखे हैं लेकिन देखे हैं। कैसे लगते हैं? अच्छा ही है, अच्छा आदमी है मोदी जी, बढ़िया की हेमंत सर इसमें हम लोग क्या बता सकते हो कौन अच्छा है नहीं है। आपको क्या लगता है कौन होना चाहिए? अरे सब अच्छा ही है हम लोग के लिए, सब अच्छा है। काम करने वाले लोगों के लिए हर कोई एक समान है, क्योंकि इनका कहना है कि काम करेंगे तभी पैसा होगा, पैसा होगा तभी जा करके हम अपना परिवार चला पाएंगे। भैया काउंटर पर बैठे हैं, दिन भर में कितना कमाए पहले ये बताइए। अरे दूध छोड़िए, अच्छा ठीक है। कितना कमाए, झूठ नहीं? 1,500 कल मोदी जी आ रहे हैं, क्या करें मोदी जी आ रहे हैं तो जनरल के लिए तो कुछ है नहीं व्यवस्था मोदी जी के। ट्रेन देंगे इस बार चक्कर, ट्रेन देंगे तो हम लोग को जाने के कहाँ जाएंगे, वंदे भारत तो यहाँ एक्सीडेंट करवा दे रहे हैं, ट्रेन में बैठने में डर लग रहा है, कहाँ पे पटरी इधर उधर हो जाए पलटी मार दे। हेमंत सोरेन बढ़िया की मोदी जी, देखिए हम लोग तो हेमंत सोरेन से मिले हैं तो उन्हीं को जानते हैं कि अच्छा आदमी, मोदी जी से तो मिले नहीं है। चुनाव का माहौल कैसा है? हटिया का तो विधायक जो है वो तो कुछ किए ही नहीं है हर मुंह के लिए, करते क्या? नवीन जायसवाल, हाँ कुछ नहीं, कुछ नहीं तो बोले कि यहाँ पे जितना भी जाइएगा ना आप कॉलोनी में घूम लीजिए एक बार, जितना भी शिलापट होगा उद्घाटन का उसमें या तो पार्षद का होगा या तो मेयर का होगा या तो सीपी सिंह जो है ना रांची के विधायक उनका होगा। तो नवीन जायसवाल एक दिन इस चीज को लेकर दुख जता रहे थे कि निगम वाला मेरा नाम नहीं लिख रहा। नहीं निगम वाला लिखने कुछ कर ही नहीं रहे थे, उनका नाम कहाँ से लिख देगा, काहे लिख देंगे, हम कुछ करेंगे तब ना, अगर हम कोई अच्छा काम करेंगे तो ही ना लोग बोलेगा। तो 2024 में जो चुनाव होगा झारखंड में किसकी सरकार बनेगी? देखिए मेरे पास तो एक ही वोट है और हम दिल से बताते हैं हरमू का एक एक बच्चा चाहता है कि हेमंत सोरेन का सरकार बने। काहे? काहे कि वो सबके चहेते हैं हरमू के लिए, उनके पास चले जाए कुछ भी काम, हम तो बिहारी है भैया मगर एक बात बोल दी कि भैया ऐसे काम करना है एक बार में होगा, ये लोग कुछ भी साफ सफाई कराने बोलते हैं ना तो नहीं हो पाता है यहाँ, आप अगर देख लीजिए यहाँ कोई नहीं करवाता है, यहाँ कोई भी अच्छा काम बीजेपी वाला नहीं कर पाता है, जो करता है जेएमएम वाला, दुर्गा पूजा जेएमएम करता है यहाँ हरमू का, हाँ। दुर्गा पूजा जेएमएम कर रहे हैं, जेएमएम के लोग करते हैं, इससे पहले तो और कोई करता था कहे नहीं, उन लोग आगे कर लिया। कहना है कि जिस तरीके से झारखंड में विकास हुआ है उस लहजे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल जरूर जमशेदपुर आ रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा असर देखने को नहीं मिलेगा। कैमरा पर्सन प्रभाकर के साथ गौरव झा, न्यूज 18 रांची।